गुड न्यूज़ की जो आपने बात की वो जब आएगी तो वील बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू. ओ इट डोंट गेट पर्सनल, वी गेट 3 मिनट्स टू शो यू अ ट्रेलर टू गेट यू एक्साइटेड फॉर द फिल्म. 3 मिनट्स में वी कांट शो यू द फाइनल डिटेल्स विच आर देयर इन द फिल्म. की तरफ से तो एक पैट ऑन द बैक आ जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है ऑस्कर मिल गया. सो इट मेट द वर्ल्ड. इट्स काइंड ऑफ एन ओमाज टू जो हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं, जैसे दीवाना मस्ताना हो गई, डेविड धवन साहब की. सो इट्स लाइक एन ओमाज टू दैट. एवरी पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा आर द रियल हीरोज हु बिल्ड वॉट एवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. दे शुड बी अप्लॉडेड इक्वली इफ नॉट मोर. लेकिन गुड न्यूज़ ये है विकी कौशल की कल कैटरीना को बोलते हैं. हाँ जी. पहली बात तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग हर बर्थडे. यस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे. और जो वक्त कम मिल रहा है उसी वजह से, बिकॉज आई विल बी रशिंग बैक टू हर बर्थडे नाउ. एंड प्लान यही है कि जस्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. बहुत टाइम से प्रमोशन चल रही है, शी इज ऑल्सो बीन ट्रैवलिंग, सो वी जस्ट स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर. एंड गुड न्यूज़ की जो आपने बात की वो जब आएगी तो वील बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू. बट टिल देन जस्ट There's no truth to that. There's only speculation which is coming from the media. तो इस वक्त आप bad news enjoy कीजिए. जब good news का time आएगा हम आपसे share करेंगे. Thank you. एक line थी पता है picture में बहुत अच्छी. Oh, don't get personal. We get 3 minutes to show you a trailer to get you excited for the film. 3 minutes में we can't show you the finer details which are there in the film. One thing I can promise you, all the moralities, all the ethics have been taken care of, and once you watch the film, all those questions will be answered. So we are letting the film do the talking, because hum agar yehi batane lag jayenge to phir ticket aap kis baat ki khareedoge, hai na? To sara humor hi usi mein hai, sara drama usi mein hai, sare emotions usi mein hai. So everything, there are a lot of finer details which are saved for the film, jisse ye sara drama, comedy, emotions bhi aa rahe hain. So there are some things which we can't show you in the trailer. तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी हुएवर फील्स दिस वे कि आप फिल्म को एक चांस दीजिए, फिल्म देखिए एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर बिकॉज वी हैव टेकन अटमोस्ट केयर ऑफ दैट. क्योंकि आपने तौबा तौबा मचा दिया है हर जगह अपने डांस मूव से, तो डू यू गेट ओवरवेलम्ड विद द कॉमेंट्स यू आर गेटिंग ऑन योर अमेजिंग डांस मूव? एंड द मास्टर ऑफ डांस ऋतिक रोशन गेव यू अ शॉर्ट आउट, तो आपका क्या कहना है, कैसा फील हुआ? पहली बात तो ओवरवेलम्ड हाँ फील होता है, बट इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि हमने ना बहुत साल मेहनत की है ऐसा रिस्पांस लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को इतना पसंद आए, वो रील बनाए, वो वीडियोस बनाए. एंड ये प्यार मतलब हमारे लिए ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस वगैरह बहुत अच्छी बात है एंड एवरीबडी इन द टीम गेट्स हैप्पी, क्योंकि फिल्म पैसे कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, किसी ने पैसे लगाए हैं वो फिल्म. पर ये जो प्यार है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो लोगों का के पास आना, कहना कि यार ट्रेलर अच्छा था, गाना अच्छा था, वो स्टेप अच्छा है, ये चीज़ों के लिए मेहनत, सच में अगर आप बताओ तो ये इसके लिए हम मेहनत करते हैं. तो जब ये प्यार मिलता है तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. एंड ऋतिक सर, यस, ही इज द गॉड ऑफ डांसिंग इन दिस कंट्री, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड. तो मेरे लिए तो ही इज़ एन इंस्पिरेशन, ही हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन. तो उनकी तरफ से तो एक पैट ऑन द बैक आ जाता है तो मुझे तो ऐसा लगता है ऑस्कर मिल गया. सो इट मेट द वर्ल्ड. मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनर तो ड्रामा ही है, जब इमोशंस होते हैं और एक्शन होता है. पर कॉमेडी में क्या है, आपको सचमुच एज एन एक्टर बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अगर वो अगर क्रैक कर लिया, बिकॉज वी हैव सीन लेजेंडरी एक्टर्स लाइक गोविंदा, अक्षय सर, किशोर कुमार जी, इवन दिलजीत पाजी, दे हैव बीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक विद कॉमेडी. एंड हमने कोशिश की है, इट्स काइंड ऑफ एन ओमाज टू जो हम फिल्में देख के बड़े हुए हैं, जैसे दीवाना मस्ताना हो गई, डेविड धवन साहब की. सो इट्स लाइक एन ओमाज टू दैट, that kind of humor जो आप family के साथ साथ में बैठ के popcorn खाते हुए enjoy कर सकें. So we have tried our hands to that, and if people do accept it and love this, it'll boost our confidence a lot, and we'll keep trying in comedy even more. I am myself a technician's son. My father was an action director, so I know how what kind of effort goes in with the by the people who are behind the camera. And जो आज सब step की बात कर रहे हैं, मैंने थोड़ा ना घर से लेके आया हूँ, वो मुझे दिया गया है, वो बॉस को सर ने दिया हुआ है. सो आई थिंक एब्सोल्युटली एवरी पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा आर द रियल हीरोज हु बिल्ड वॉट एवर इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. बिकॉज वी आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हाँ पहली जो एक वाहवाही, तारीफ, जूते चप्पल जो भी पढ़ने होते हैं वो हमें पहले पड़ जाते हैं, बट दे आर रियली द हीरोज. एक इट टेक्स एन आर्मी, इट टेक्स 300 लोगों का एफर्ट जाता है टू क्रिएट अ सॉन्ग, अ फिल्म, एनीथिंग, यू नो. सो दे शुड बी अपलॉडेड इक्वली इफ नॉट मोर.